गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 10th। हमने जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स थे पूरे पढ़ लिए थे। अब मैनमेड डिजास्टर्स पढ़ेंगे। मैनमेड डिजास्टर्स मतलब वो डिजास्टर्स जो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुए हो, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण कोई इंसान हो। एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर, चाहे वो भूल से हुआ हो चाहे इंटेंशनली, ठीक है। एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर्स, एटॉमिक जैसे एटॉमिक जो प्लांट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उससे अगर कोई गैस लीक हो जाए। बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर्स, केमिकल डिजास्टर्स कोई केमिकल वगैरह फैल गया या केमिकल किसी के ऊपर गिर गया, 10-15 लोगों के ऊपर या किसी भीड़ के ऊपर एक केमिकल गिर गया जिसकी वजह से 50-60 लोग मर गए, तो वो भी एक डिजास्टर है। दीज आर द टाइम्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट हैव मेड द लाइफ ऑफ मैन हैप्पी एंड प्रॉस्परस। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैनमेड डिजास्टर के। लीकेज ऑफ केमिकल गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना है, वो हुई थी 2 से 2 या 3 दिसंबर को 1984 में। एक ये पूरे वर्ल्ड का एक वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है इसको। कारण क्या है इसमें ना, एक भोपाल में एक कंपनी है, यूएसए बेस्ड कंपनी, उसकी उस कंपनी का नाम लिखा है यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, एक कंपनी थी। उस कंपनी में क्या हुआ था, पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे, तो कुछ गैस का स्टॉक रखा जाता था, उस गैस की मदद से पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे। उस गैस का नाम क्या है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस रखी जाती थी। ये बहुत पॉइजनस गैस थी, अब इससे पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत गैस रखी हो, 2-3 किलो 4-5 किलो, 45,000 kg इस अमाउंट में गैस रखी थी। 45 टन, 1 टन इक्वल्स टू 1,000 kg, तो 45,000 kg गैस रखी थी। वो गैस भूल से लीक हो गई, तो जब रात को सब लोग सोए, उनको मतलब पता नहीं था कि सुबह हम उठेंगे ही नहीं, मौत आ जाएगी, तो सुबह बहुत सारे लोग मरे हुए पाए गए। लोगों ने क्या किया, रात को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो लोग घर छोड़कर जाने लगे, ठीक है, भागने की कोशिश की तो रास्ते में ही मर गए। वो गैस क्या है, पानी के साथ रिएक्ट होकर और डेडली हो जाती है और ख़तरनाक हो जाती है, तो लोगों की स्किन जलने लगी। कुछ लोगों ने नदियों में गए कि खुद को बचाने के लिए, पानी में उनकी स्किन और जलने लगी। सुबह उठे तो बहुत सारी लाशें तैर रही थी समुद्र में, नदियों में, ठीक, समुद्र में नहीं मतलब नदियों में, ठीक है, जो वाटर बॉडीज हैं उस पर। कारण क्या है, लोग पानी में भी मर गए थे बहुत लोग, पूरी लाशें बिछ गई थी। आज भी जो वो भोपाल में प्लांट है उसको गवर्नमेंट ने साफ़ नहीं करवाया, वैसा का वैसा ही पड़ा है। कारण क्या है, इतना उस पर बुरा इफेक्ट हुआ था, दोबारा अब उसको यूज़ करने के लिए बहुत अभी टाइम लगेगा, उसको पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से गैस फैल गई थी, तो वहाँ भी आज भी सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है। तो अभी जितना भी था ये मैंने समझा दिया। इट टुक अ टोल ऑफ अबाउट 3600 लाइव्स एंड मेनी मोर डेवलप्ड सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। 3600 लोगों की जाने चली गई थी, ये एक ऑफिशियल फिगर है, इससे कहीं ज़्यादा जाने गई थी। पूरे वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। देखो कुछ लोग तो मर गए, अच्छी बात है मर गए, पर जो लोग बच गए उनके लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग बच गए थे ना, तो उनको कोई ना कोई डिसीज़ हो गई, कोई लूला लंगड़ा हो गया, कोई अंधा हो गया, किसी को स्किन प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, किसी का पैर टूट गया। अब उनकी जो आने वाली जनरेशन है, मतलब उनके जो बच्चे हैं, उन पर भी ये असर दिख रहा है, ठीक है। अब सोचो वो जो अगर वो मर जाते तो ठीक है, अब उनकी आने वाली जनरेशन, उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ब्लाइंडनेस है, किसी को पैर की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मतलब समझो मरे तो नहीं पर अब जी भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, ऐसी हालत हो गई थी। अब अनदर सीवियरेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द वर्ल्ड वॉज ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बम बाय अमेरिका ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑन जापान ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पे है, जापान कंट्री में, वहाँ पे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बम फेंक दिया था, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, उसका असर अभी तक वहाँ पर है। थर्ड, अटैक ऑफ पेस्ट ऑन क्रॉप्स। पेस्ट मतलब जो कीटनाशक वगैरह रहते हैं, कीड़े वगैरह, वो क्रॉप पर अटैक कर दें। डिसीजेस कॉज्ड बाई इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया लाइक प्लाग, वायरल अटैक, बर्ड फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा आर बायो अटैक्स। ये देखो इसमें क्या होता है, अब ये सब हो क्यों रहा है, कारण ये जैसे हमने कहीं पे गंदगी पड़ी है, हमने साफ़ नहीं की, यहाँ पे पानी वगैरह पड़ा है वो साफ़ नहीं किया, तो उस वजह से मच्छर होते हैं, कीड़े आते हैं, ठीक है, तो ये क्योंकि ह्यूमन ध्यान नहीं रख रहा है इस वजह से ये सब हो रहा है। सुटेबल प्रोटेक्टिव मेजर्स आर नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डिजीज ऑल्सो। इंडस्ट्रियल एंड केमिकल डिजास्टर, जैसे इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, इतना पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट बहकर पानी में जाता है, वही पानी हमारे घर पर आता है, जानवर पीते हैं और मरते हैं। आर मैन रिलेटेड ट्रेजिडीज, दिस कैन बी कॉसेस एब्रप्टली विदाउट एनी वार्निंग। केमिकल लीकेज कैन बी कॉस्ड बाई ह्यूमन मिस्टेक, टेक्नोलॉजिकल फॉलीस और नेचर रिलेटेड। कोई केमिकल लीक हो गया, ठीक है, या हवा में फैल गई कोई गैस, और कोई टेक्नोलॉजिकल एरर हो गया, हाँ, जैसे टेक्नोलॉजिकल एरर होता है कि अगर
समझो कोई मशीन है वो काम कर रही है, सॉरी मशीन एक फैक्ट्री में उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, या कंटिन्यूस चल रही है, चल चल के वो मशीन एक एक्सटेंट के बाद फट गई तो पूरी बिल्डिंग गिर गई, उस बिल्डिंग में जितने कर्मचारी रहेंगे मर जाएंगे। इफेक्ट्स क्या होता है? एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर मे कॉज हार्म टू दी एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या? पूरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चाहे अब कम डिजास्टर होगा तो इंटरनली चोट पहुँचेगी और एक्सटर्नली भी चोट पहुँच सकती है। दिस डिजास्टर में इफेक्ट द हर्ट एंड ब्रेन एंड मेक द बॉडी डिसेबल्ड परमानेंटली। द केमिकल व्हेन मिक्स विथ वाटर, एयर एंड लैंड, इट पॉल्यूट्स द एटमॉस्फियर एंड एज अ रिजल्ट क्रॉप्स, कैटल, फिश एक्सेट्रा आइदर डाई और देयर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। क्या होता है? ये सब जानवर वगैरह मर जाते हैं, हम लोगों को इफेक्ट होता है, ये तो जानवर वगैरह मर जाते हैं और देयर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मतलब पीछे हट जाना या कम हो जाना, ठीक है। डेवलपमेंट बहुत सालों के लिए रुक जाता है, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, गिर जाना, मतलब डेवलपमेंट गिर जाना और अनडेवलपमेंट की तरफ चले जाना। अब इसके मेजर्स बताएं क्या करना चाहिए, जनरल पब्लिक को एजुकेट होना चाहिए कि हार्मफुल केमिकल्स कौन कौन से हैं, उनकी बॉडी को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, जैसे समझो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं और ज़रूरी भी हैं इंडस्ट्रीज़, पर उसके जो धुआं निकल रहा है हार्मफुल है, उसके लिए क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, तो पेड़ क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेंगे ज़मीन, सॉरी जितनी भी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, ये एक तरीका है, ठीक है। तो आसपास की इंडस्ट्रीज़ और उसके से जो गैसेस निकल रही हैं उसके बारे में नॉलेज होना, उसके बैड इफेक्ट को नलीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने समझो बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो अब कैसे आप उसके इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हो? आप वॉक कर लो थोड़ा सा, ठीक है, या आप सोडा पी लो, तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। वैसे ही हम कुछ स्टेप्स उठा के उसका बैड इफेक्ट नलीफाई कर सकते हैं। ह्यूमन हैबिटेशंस शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरियाज। अब जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं और इंडस्ट्रीज़, इनके बीच में अच्छा खासा गैप होना चाहिए और एक ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, मतलब पेड़ लगे रहने चाहिए। मॉक ड्रिल्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। मॉक ड्रिल्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे मॉक ड्रिल्स का मतलब होता है आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रख लो कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो आप कैसे एक्ट करोगे, ठीक है। जैसे होता नहीं कोई मूवी वगैरह बन रही है तो एक्टर्स एक्ट्रेस पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद फिर मूवी में पार्ट करते हैं, वैसे ही मॉक ड्रिल्स मतलब एक आप पहले से ही पार्टिसिपेट कर लो, भले ही अर्थक्वेक नहीं आया स्टिल खुद को प्रैक्टिस कर लो। वार्निंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, कहीं आग लगी तो अलार्म बज जाए जिसकी वजह से लोग प्रॉपर वहाँ से मूव कर पाएँ या ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी कर पाएँ। स्टोरेज ऑफ पॉइजनस केमिकल, अब जो पॉइजनस केमिकल स्टोर हो रहा है, जैसे यहाँ पे 45 टन स्टोर था, मान लो अगर कम होता, एग्जाम्पल समझो 500-600 किलो होता, तो हो सकता है कंट्रोल करना पॉसिबल था, और बिल्कुल था, यहाँ पे 45,000 किलो था, बहुत दूर दूर तक ये फैल गया। जो पॉइजनस केमिकल्स हैं उसको एक लिमिट तक ही स्टोर किया जाए। बॉम्ब एक्सप्लोजन, इन मैनी केसेस एक्सप्लोसिव्स आर पुट ऑन रोड्स, पब्लिक प्लेसेस, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एंड अदर सच प्लेसेस। दिस डेज द मोड ऑफ कार बॉम्ब्स इज यूज नॉर्मली। बॉम्ब एक्सप्लोजन जैसे देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी, है ना, कि बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है, और जैसे रेलवे स्टेशन में बॉम्ब फट गया, टेररिस्ट रख देते हैं, या मॉल वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, या एक कार बॉम्ब आपने देखा होगा धूम टू में, क्या होता है कार में बॉम्ब रख देते हैं, फिर कार रिमोट कंट्रोल के थ्रू भेजते हैं और फिर ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अब जैसा देखा जाए जो टेररिस्ट है वो और कहीं बैठा है, पर वो रिमोट कंट्रोल कार से वो बॉम्ब कंट्रोल कर रहा है और किसी मॉल के अंदर एंटर कर दिया और बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, तो क्या हुआ? मॉल तो नुकसान हो गया, मॉल ख़त्म हो गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, तो कार बॉम्ब का, ऐसे मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा। इफ़, अब इधर पे क्या बोल रहा है, इफ़ सम पैकेट और थिंग इज़ फाउंड एंड इट अपीयर्स डाउटफुल देन प्रॉपर केयर शुड बी टेकन एंड इट शुड नॉट बी टच्ड। अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है डाउटफुल है, हमें टच नहीं करना है उसे, ठीक है, ऐसे नहीं कि उठा के अपन देखने लगे, उसके लिए आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, उसके आसपास नहीं जाओ। वन शुड नेवर गो नियर अ थिंग विच अराउजेस अ डाउट एंड शुड नॉट अलाउ अदर्स ऑल्सो टू डू सो। अगर आपको लग रहा है डाउट है मत जाओ और नहीं दूसरों को जाने दो, नियर बाय पुलिस को आप इन्फॉर्म कर दो। फिर जनरल ह्यूमन डिजास्टर, फायर, रोड एक्सीडेंट, एयर क्रैश एंड एपिडेमिक्स। फायर, फायर मतलब आग लग जाना, ठीक है, उस केस में क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ कॉज्ड बाय फायर आर मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ डेथ कॉज्ड बाय व्हर्लविंड्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा। इसमें ऐसा बताया जा रहा है अर्थक्वेक से या जो तेज़ हवाएं चलती है फ्लड, उससे जितने लोग नहीं मरते उससे ज़्यादा लोग फायर से मरते हैं, पर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। देर आर मैनी रीजन्स ऑफ ऑकरिंग फायर। अब बहुत सारे रीज़न है फायर होने के, आग लग जाने के, कैसे? इलेक्ट्रिकल हीटर्स, इलेक्ट्रिकल हीटर, जैसे हीटर होता है ना जो आग तापता है, अगर वो चालू है उस पर अगर कोई पॉलीथीन चली गई या कागज़ चला गया, ठीक है, तो वो जलता चला जाएगा पूरा। एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग फूड, ठीक है, गैस वगैरह ऑन छूट गया। वायरिंग, अगर कोई अनकवर्ड तार है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है।
एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव मतलब बारूद वगैरह है, RDX, तो अगर वो पड़ा है जैसे बम फैक्ट्री में, थोड़ा सा भी अगर चिंगारी लग गई तो पूरी वो फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, क्योंकि उधर बारूद बहुत होता है। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक फायर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यह एक बार आप पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ कुछ कुछ टफ पॉइंट्स, इधर पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने टिक कर दिए, वो मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी बहुत ही ईजी है। फायर एक्सटिंग्विशर जानते हैं, वो ऐसी एक सिलेंडर टाइप का रहता है, वो क्या करता है, देखो आग जलने के लिए ना उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सिलेंडर क्या करता है, आसपास के ऑक्सीजन खींच लेता है। अब बोलोगे कि ऑक्सीजन तो खींच ले रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन जो पर्सन इसे ऑपरेट कर रहा है वो भी मर जाएगा, लेकिन नहीं, वो जब इसे ऑपरेट करता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के ऑपरेट करता है, वो बॉडी को कवर कर लेता है एक शील्ड से, तो उसे ऑक्सीजन मिलती है, आसपास की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो उससे आग ज़्यादा नहीं फैलती, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा स्कूलों में, रेत वगैरह पड़ी रहती है बाल्टी रेड कलर की, तो रेत से भी आग बुझ जाती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक ही सॉकेट में नहीं डालने चाहिए, जैसे आपने देखा होगा जो बॉक्स रहते हैं बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, आपने लैपटॉप भी रख दिया चार्जिंग में, मोबाइल भी रख दी, उसी में समझो फ्रिज भी लगाए और उसी में एसी भी लगाए, ठीक है, और उसी में टीवी भी लगी है, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, तो ऐसे ही एक बहुत सारे सॉकेट में, अगर एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग अगर आप डाल दोगे तो आपस में वो करंट फैल सकता है उनमें और ब्लास्ट हो सकता है, बोर्ड फट जाएगा, आग लग सकती है। डू नॉट ब्लॉक द एंट्रेंस डोर, जो भी डोर है आपके मेन गेट है घर का जहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, उसे कभी भी आप ब्लॉक नहीं करो। जैसे आपने समझो अगर आप किचन के साइड डाइनिंग रूम है वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, और अगर आपने वहाँ फ्रिज रखी हुई है तो दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा क्योंकि फ्रिज पड़ी है। इन केस ऑफ फायर कॉल द फायर ब्रिगेड, ये तो सबको पता होगा, फायर ब्रिगेड को कॉल करो और उसे एड्रेस बता दो। फिर जब भी आग वगैरह लगे तो बहुत धुआं जैसे फैल जाता है, तो आप क्या करो, ज़मीन में आप क्रॉल करो, मतलब रेंग के आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि धुआं क्या होता है, हल्का होता है, तो इसलिए गर्म होता है, हल्का होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ता है, तो नीचे फ्लोर में उसका इफेक्ट कम होता है, तो क्रॉल करके आप रेंग कर नीचे से निकल कर जा सकते हो, आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट्स तो आपको पता है क्यों क्यों होता है, ठीक है, ओवरलोडेड ट्रक है, रैश ड्राइविंग हो रही है, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, चार लोग बैठकर चला रहे हैं, ड्रंकेन स्टेट में चला रहे हैं, व्हीकल का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, खटारा गाड़ी लेकर भाग रहे हैं, ठीक है, तो इन सब वजह से रोड एक्सीडेंट होता है। अब उनके क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स के आप जब तक मेच्योर नहीं हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप गाड़ी मत चलाओ, नहीं आती तो नहीं चलानी चाहिए, ठीक है, आप पूरे कंपिटेंट हो तो ही चलाओ, रोड के एक साइड से चलो, ऐसे लहरा के बिल्कुल मत चलाओ, सिग्नल के टाइम रुक जाओ, और बारिश के टाइम धीरे गाड़ी चलाओ, स्लिप ज़्यादा होती है या बालू वगैरह पड़ी रहती है तो स्लिप ज़्यादा होती है गाड़ी, ठीक है। वाइल ड्राइविंग डू नॉट इंक्रीज़ और डिक्रीज स्पीड एब्रप्टली, मतलब एकदम से एक्सेलरेटर बढ़ा देना, एकदम से कम ब्रेक मार देना, ठीक है, तो जैसे आजकल के यूथ करता है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे क्या है दोनों को हार्म होने के चांसेस हैं, ठीक है, दोनों को हार्म होने के, मतलब व्हीकल तो टूटेगा ही, आप भी टूट जाओगे। जैसे साइन बोर्ड में दिया रहता है ना कि नो पार्किंग, या यहाँ पर गाड़ी धीरे चलाए, आसपास से स्कूल है, वो साइन बोर्ड को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। जब भी रोड क्रॉस करो दोनों साइड देखो, ओवरटेक मत करो, अगर व्हीकल अगर आपका डूब जाए पानी में, ठीक है, तो विंडो के थ्रू काम बाहर आने की कोशिश करो, अगर फायर लग जाए तो कम आउट ऑफ द व्हीकल एज सून एज पॉसिबल, डू नॉट केयर अबाउट लगेज, आग लग गई गाड़ी में हम सामान ही निकाल रहे हैं, पहले आप निकल जाओ बाहर, बुझाओ आग, सामान बच गया तो निकाल लेना। जब भी गाड़ी पे चलो तो सेलफोन पे बात मत करो, टू व्हीलर पे चलो तो हेलमेट हमेशा यूज़ करो, कार में चलो फोर व्हीलर में तो सीट बेल्ट यूज़ करो, ये सब रोड एक्सीडेंट का मैंने आपको बता दिया, रेल एक्सीडेंट यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, थैंक यू।